कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जीडी बिरला स्कूल को बंद कर दिया गया है। स्कूल के अधिकारियों द्वारा गुरुवार की सुबह एक नोटिस के माध्यम में कहा गया है कि छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल को बंद किया जा रहा है। स्कूल फीस वृद्धि को लेकर पिछले कुछ दिनों से अभिभावकों का स्कूल के सामने आंदोलन चल रहा था। उनकी मांग थी कि फीस नहीं बढ़ाई जाए। उसके बाद हाईकोर्ट ने भी इस आशय का निर्देश दिया था। ऐसे में स्कूल बंद करने के फैसले पर विचार किया जा रहा है। गुरुवार को जब छात्र दक्षिण कोलकाता के रानीकुट स्थित स्कूल में नियमानुसार पहुंचे, गेट के सामने लगे नोटिस को देखकर वहीं रुक गए और हैरान हो गए। नोटिस पढ़ने के बाद अभिभावकों को पता चलता है कि स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, ऐसा उसमें मेंशन किया गया है। नोटिस में ये भी कहा गया है कि छात्रों की सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया, लेकिन पहले से ही बिना कुछ बताए अभिभावकों ने इस तरह के नोटिस टांग कर स्कूल बंद होने पर नाराजगी जताई है। फीस नहीं देने वालों से उनका तर्क अलग है, लेकिन जिन्होंने फीस जमा कर दी है उन्हें क्लास क्यों नहीं लेने दी जा रही है, ये सवाल सभी ने उठाया। माता पिता को इस दिन छात्रों के साथ स्कूल के गेट से वापस जाना पड़ा। राज्य का कोई भी निजी स्कूल किसी भी छात्र को पास होने से नहीं रोक सकता, मार्कशीट भी अटक नहीं सकती। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में स्कूल फीस पर एक मामले की सुनवाई के बाद ऐसा आदेश दिया था। जज ने कहा है कि स्कूल एक मंदिर है, इसीलिए कहने के लिए कुछ नहीं है। क्या कोर्ट के लिए हर समय इस पर नजर रखना संभव है? उसके बाद इस दिन नोटिस टांग कर जीडी बिरला स्कूल को बंद कर दिया गया है। आइए देखते हैं अभिभावकों ने किस तरीके से अपना गुस्सा जाहिर किया। পঞ্চাশ জন গার্জিয়ান যারা পয়সা দিচ্ছে না, তারা ডে আফটার ডে এই মিডিয়ারই একটা পার্ট, একটা চ্যানেল তাকে নিয়ে এসে রোজ এখানে ঝামেলা করছে। ওই চ্যানেলকে নিয়ে এসে আমরা তার কথা বলছি, আপনাদের কথা বলছি না। ওটা অন্য পার্ট, আমরা এই বিষয়ে না গিয়ে এখন আমরা যে বিষয়টা জানার চেষ্টা করব, স্কুল খুলতে হবে, স্কুল খুলতে হবে। সমস্ত বাচ্চা যারা 99% প্যারেন্টস যারা ফিস পে করেছে এবং প্রতি স্কুলিং চাইছে, বাচ্চাদের এডুকেশন চাইছে, তারা যেন প্রপারলি স্কুল করতে পারে। আমার বাচ্চা বোর্ডে যাবে এবার, সুতরাং আমরা সেই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলছি যে তাদের স্কুলিংটা করতে দেওয়া হোক। ওই মুষ্টিমেয় কয়েকজন 1% গার্জিয়ানদের ইমিডিয়েট, তারা যখন পড়াতে পারছে না, এবার করতে পারছে না, তাদেরকে স্কুল কেন টিসি দিচ্ছে না, তাদেরকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না কেন, রেস্ট্রিকেট কেন করছে না, তাদেরকে তাড়িয়ে দিন স্কুল। Oh, God.